समझने को 13 नंबर की जर्सी में रेड करते हुए कोशिश यहां पर मेनकू की पॉइंट लिया जाए और यहां रनिंग हैंड टच किया गया, एक पॉइंट और हाथा हुआ। हाफ टाइम का अंतिम मिनट चलता हुआ इस समय दूसरे राउंड का ये मुकाबला यहां से फुल बोनस ऑन। इस लड़ाई में एक बार दो पॉइंट अधिक किया है एक और रेड के लिए, लेकिन डिफेंड करते हुए और यहां पर टैकल किया गया है। फाइनल के दावेदारों में शामिल है इस समय शीतलागर कह सकते हैं जो तीन चाकू में मजबूत है उनमें से एक। कोशिश यहां पर रनिंग हैंड टच की लेकिन नाकामयाब, एक और कोशिश लेकिन यहां पर शिकार किया गया है मिंकू का, एक और पॉइंट आता हुआ गोपालपुर के लिए। तो हाफ टाइम कंप्लीट हुआ, यहां से मैं आपको पॉइंट करीब यानी 6 पॉइंट है शीतलागंज का, 4 पॉइंट है गोपालपुर का, मात्र 2 पॉइंट से पीछे बड़ा शीतलागंज। इस समय एक नंबर की जर्सी में बोनस ऑन है नहीं, दूर जाकर टच पॉइंट लेना होगा। निश्चित तौर पर देखना पड़ेगा एक पॉइंट यहां पर दिया गया क्योंकि डैश करते वक्त एक खिलाड़ी की कामयाबी नहीं मिल पाई, और कोशिश शायद की होती हुई यहां लगातार लेकिन रेड एम की जाती हुई। हालांकि अच्छा खेलकर प्रदर्शन किया तो होगा गोपालपुर पॉइंट अंदर आने दे दे खिलाड़ियों के सामने संभवता यहां से एक आखिरी प्रयास किया और यहां पर सेल्फ आउट होता हुआ 7 और 6 मात्र पॉइंट की बढ़त है इस समय शीतलागंज के नाम। एक रोमांचक संघर्ष चलता हुआ इस मैच के लिए दोनों टीमों के बीच और यहां पर पिछले से और कैच किया गया उनको तो 8 और 6 दो पॉइंट का फासला अभी भी बरकरार दोनों टीमों के बीच में। इस समय 7 नंबर की जर्सी में रेड और शीतलागंज टोटस का प्रयास एक अपील की जा रही है वहां पर, हालांकि देखना पड़ेगा ये हुआ है कि नहीं। ये तो यस यहां पर एक तक पॉइंट दिया गया है तो अब बढ़त 3 पॉइंट की हो गई है दोनों टीमों के बीच में। पहलवान चालू पे तो है लेकिन पहलवानी काम नहीं आई तो अब बहुत बढ़ाते हुए यहाँ से शीतलागंज की टीम, वक्त भी ज्यादा नहीं बचा है। मरवान और मोहिनी स्पोर्टिंग दोनों टीमें बिल्कुल लड़े रहेंगी, इसके बाद उनका मुकाबला होना है और मैच भी अंतिम क्षणों में जा चुका है। वो काली है अभी तक सभी रेड उनकी एंट्री के लिए बाइक किक का प्रयास किया गया उनके द्वारा लेकिन नाकामयाब। तो बहुत कोशिश अर्षद के द्वारा इस समय राइट कॉर्नर से अटैक करते हुए बाइक किक खुला लगा के लेकिन डिफेंड किया यहां पर एक सुपर टैकल कर चुकी है, हालांकि इस समय 4 खिलाड़ी हैं तो सुपर टैकल का कोई सोच भी नहीं सकता था कि शीतलागंज जैसी मजबूत टीम को गोपालपुर इस तरह टक्कर देगी। हौसलों को सलाम गोपालपुर से, निश्चित तौर पर ये युवा बच्चे दिखा रहे हैं कि कबड्डी होती क्या है। कोशिश करते हुए इस समय लगातार 9 और 10 पॉइंट है, यहां बैक किक लगाने का प्रयास लेकिन कर देंगे यहाँ पर जो बैठे हैं। इसमें मैच की तरफ हम आपको लिए चलते हैं, एक रोमांचक संघर्ष, एक हाई वोल्टेज मुकाबला होता हुआ गोपालपुर बनाम शीतलागंज का, लेकिन भी बचा है एक पॉइंट से आगे है शीतलागंज की टीम अभी भी सैद के हेरे करने के लिए प्रेशर जैद पर
मेरा कोशिश करते हुए लेकिन पूरी तरह से दी बैठी बोला साफ है नहीं कट पॉइंट लोग लेना होगा लेकिन रेडम की बात एक मिनट और बचा है यहाँ से एक पॉइंट से आगे शीतला गल के लिए लेकिन जबरदस्त मुकाबला खेला है यहाँ पर गोपालपुर में बिल्कुल कह सकते हैं आप ये युवा बच्चे प्रतापगढ़ के फ्यूचर है इस समय शीतलागंज संभवतः पूरा वापस जाएगा हर सेकंड बताना है आपको रेडर भी बताना है रेडर लेकिन अपने आप को पूरी तरह से डिफेंड करते हुए समय शीत लगन के लिए एक और कोशिश निश्चित तौर पर जैस किया गया है एक पॉइंट के बाद तो मात्र 25 सेकंड बचा है अब इसमें 25 सेकंड बचाइए आठ मिनट है या कुछ है एक सेकंड भी बाकी रहेगा तब भी एक रन होगी हालांकि 25 सेकंड इस रेड के पहले बचा था लेकिन अब यहां से और मैच खत्म होने का अल्लाह कह सकते हैं यहां पर मैच खत्म कर दीजिए बिल्कुल ऑल आउट हो गया टीम तो इस समय मैच जीता है शीतलागंज ने और अपने कदम आगे बढ़ाया लेकिन मैं एक बार जरूर कहना चाहूंगा गोपालपुर वालों के लिए कि शीतलागंज ने मैच तो जरूर जीता लेकिन गोपालपुर ने टीम जीता है यहाँ दर्शकों का